अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया मैं युतिअल्लाह व रसूला, ए लोगो जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की इताअत करेगा फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाता है फाउलाइका मअल्लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीजीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आयत मुबारका का मफहूमी तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाता है फाउलाइका मअल्लदीना तो वो बंदा उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। किन पे इनाम किया है, अल्लाह फरमाता है मिनन नबीजीना, नबियों पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया है। वस्सिद्दीकीना वो बंदा सिद्दीकीन के साथ होगा, वश्शुहदाई अल्लाह उसको शुहदा के साथ रखेगा, वस्सालिहीन वो बंदा साले लोगों के साथ हो जाएगा। अब इस आयत मुबारका पर अगर हम गौर करें, जो कादियानी है ना, जो मिर्जा और उसके पैरोकार हैं, उन्होंने कुरान पाक की इस आयत से गलत इस्तिदलाल किया है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने सूरत फातिहा के अंदर और हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, कुरान वो भी पढ़ते हैं जो कादियानी है, वो कुरान से अपने झूठे नबी को सच्चा साबित करते हैं। इस आयत मुबारका से तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, कहते हैं अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कह दिया, हम हर नमाज के अंदर ये पढ़ते हैं इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा, कहते हैं अल्लाह ने खुद ही बता दिया सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम। तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, या अल्लाह उनका रास्ता, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, अब कादियानी क्या कहता है, वो कहता है सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किन पे किया, मैंने पहले आयत मुबारक पढ़ी मिनन नबीजीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अब कादियानी ये कहता है कि हमारा जो मिर्जा है उसकी दुआ कबूल हुई कि हम हर नमाज में दुआ मांगते हैं, तो यकीनन अल्लाह बंदों की दुआ कबूल करता है। अब उन्होंने गलत इस्तिदलाल कैसे किया, वो कहते हैं किसी की नमाज के अंदर अल्लाह ने दुआ कबूल की उसको साले बना दिया, किसी की अल्लाह ने दुआ कबूल की उसको शहीद बना दिया। तुम नमाज में दुआ करते हो, अल्लाह ने किसी की दुआ कबूल की उसको शहीद बना दिया, किसी की दुआ कबूल की उसको सिद्दीक बना दिया। अब देखिए उनका इस्तिदलाल, अब वो ये कहते हैं कि जो हमारा मिर्जा है जिसने नबुवत का दावा किया है, वो कहते हैं वो भी नमाज पढ़ता था, जब उसने नमाज के अंदर ये दुआ की कि इहदीनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, तो कहते हैं अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल करके माजल्ला उसको नबी बना दिया। बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, पढ़ते वो भी कुरान है, कुरान से गलत इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो मिर्जा है उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, उसकी दुआ कबूल करके मिनन नबीजीन उसको माजल्ला नबियों से बना दिया। उलमा ने लिखा ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती, इसलिए कि सीधे रास्ते पर चलने वाले सहाबा से बढ़कर कौन हो सकते हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले ताबईन के सिवा कौन हो सकते हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाला सिद्दीक उमर उस्मान अली से कैसे बड़ा हो सकता है, सीधे रास्ते पर चलने वाला हजरत अबू हुरैरा से कैसे बढ़ सकता है, सीधे रास्ते पर चलने वाला हजरत बिलाल हबशी से कैसे आगे बढ़ सकता है, सीधे रास्ते पर चलने वाला इमाम आजम अबू हनीफा से कैसे बढ़ सकता है, सीधे रास्ते पर चलने वाला इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल से कैसे आगे बढ़ सकता है, इनसे बढ़कर
अल्लाह की राह में सीधे रस्ते पर चलने वाला कौन है? गौसे पाक से बढ़कर सीधे रस्ते पर चलने वाला अरे कौन हो सकता है? दाता अली हजवेरी से बढ़कर सीधे रस्ते पर चलने वाला कौन हो सकता है? मगर 14 सदियां गुजर गई, जो भी अल्लाह का प्यारा सहाबी हो या ताबे ही हो, तबा ताबे ही हो, कोई भी अल्लाह का वली हो, सब अल्लाह की इबादत करते, सीधे रस्ते पर चलते, सीधे रस्ते पर चलने के बाद भी नबूवत का दावा नहीं करते, बल्कि यही कहते नजर आते थे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इसलिए कादियानी ये जो दलील बनाते हैं ना कि सीधे रस्ते पे चला मिर्जा लिहाजा वो नबी बन गया, और इतने बड़े बड़े सिद्दीको उमर जिसके बारे में नबी ने उमर के बारे रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लौकान बादी नबी जुन लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, ऐसे सीधे रस्ते पे वो चले कि जिस रस्ते पे उमर चलता था शैतान उस रस्ते से भाग जाता था। इतने सीधे रस्ते पे चलने वाले वो भी यही कहते थे जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अल्लाह तबारक व ताला ने जिस आयत से कादियानी ने दलील बनाई ना जो मैंने अभी बयान की, इसी आयत के आगे अल्लाह ने वाज़े तौर पर ये लिख दिया। अल्लाह फरमाता है वहासुना उलाइका रफीका, तवज्जो करने वाली बात है, इसी आयत में अल्लाह ने यह जवाब दिया है कि कल कोई उठ के कह ना दे कि जनाब सीधे रस्ते पे चलते चलते कोई नबी बन गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वहासुना उलाइका रफीका, जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा वहासुना उलाइका रफीका, रफीक कहते हैं साथी को, अल्लाह फरमाता है उनका साथी बनेगा, नबी नहीं बन सकता है।